अस्सलामुअलैकुम, आदाब और नमस्कार। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो कल शाम को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो T20 मैच जो खेला गया, मुझे अफसोस इसी चीज का है। आजादी के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से एक T20 मैच जीता, क्या कि जो हमारे मुल्क में रहने वाले गद्दार जो यहां पर हैं, जो खाते तो हिंदुस्तान का है तो गुण पाकिस्तान का गाते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जो कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर लगाई गई हैं, उनको सही तरीके से काम करने का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि 70 साल हमारी आजादी को हो गए, कश्मीर के लोगों को यह पता है कि हिंदुस्तान कश्मीर को कभी छोड़ नहीं सकता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये एक गेम है, कौन हारा कौन जीता, एक ने तो हारना ही होता है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, जो कश्मीर के अंदर जो इम्प्लाइड जो भारत सरकार का पैसा खाते हैं और गुण जो है वो पाकिस्तान का गाते हैं, कल शाम को जो वीडियो कश्मीर के अंदर जो वायरल हुए, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि हमारे कश्मीर के अंदर ऐसा हो सकता है। जब हमारे सेना के वीर जवान जब लड़ते लड़ते वहां पर शहीद हो जाते हैं, तो कश्मीर के अंदर लोग उनको कभी उन्होंने सलूट भी नहीं किया। लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से यह निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से धारा 370 को यहां से हटाई गई थी, इसी तरीके से एक सिस्टम यहां पर बनाया जाए। जो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किया था नोटबंदी का, उसी तरीके से जो यहां पर पाकिस्तान के जो वफादार यहां पर बैठे हुए हैं, जो खाते हिंदुस्तान का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। और मैं भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसी एक पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया जाए। 50 दिन जो नोटबंदी को रखे गए थे, वही 50 दिन इन लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए इनको रखे जाए। और उसके बाद जो अगर पाकिस्तान यहां से अगर नहीं गया, उसकी ऐसी हालत यहां पर की जाए कि यहां हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुल्क के खिलाफ जो बगावत करने वाले लोग हैं, वो कभी यहां पर सर ऊपर ना उठा सकें। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करता हूं, जिस तरीके से यहां पर जो माहौल चल रहा है, जब भी यहां पर कोई हमारा सेना का वीर जवान जब भी कोई शहीद होता है, और ये लोग उस वक्त भी यहां पर खुशी मनाते हैं, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, जो कश्मीर के नेता वो महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की सरबराही करती है कि धारा 370 यहां से हटाई गई और जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ। मैं महबूबा मुफ्ती से यह पूछना चाहता हूं, जो जश्न कल कश्मीर के अंदर यहां पर जो भारत के खिलाफ यहां पर बनाया गया, महबूबा मुफ्ती आज उसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी यह पूछना चाहता हूं कि आप धारा 370 के बारे में बोलते हो कि यहां पर धारा 370 को रिस्टोर किया जाए, क्या यही आप लोग चाहते हो
धारा 370 का आपने 70 साल तक यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर ये लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे, धारा 370 के तहत वह पहले भी यहाँ पर बनता था, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर धारा 370 हटाने के लिए जो कश्मीर के अंदर उस वक्त वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पर लगाई थी, और मैं उनसे बार बार अपील करता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ जो यहाँ पर बगावत करने वाले हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर ऐसा बिल बनाया जाए, कोई हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठेगी। ये देश के गद्दार हैं जिन्होंने यहाँ पर कल एक क्रिकेट जो यहाँ पर T20 का खेला जा रहा था, पाकिस्तान ने एक मैच क्या जीत लिया, कोई यहाँ पर टीवी पे यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चुम्मा दे रहा है। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, आप खाते हिंदुस्तान का हो और गाते हो आप पाकिस्तान का। मैं कश्मीर के वो जो यहाँ पर वो गद्दार लोग हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, आपको अगर भारत सरकार यहाँ से अगर राशन देना बंद करे तो आप कभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करोगे। मैं ये जो पॉलिटिशियन जो यहाँ पर बार बार धारा 370 और 35 की भली की बात करते हैं, मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि जो कल यहाँ पर हुआ, क्या आपने उसका कोई रिप्लाई यहाँ पर दिया? मुझे यही समझ नहीं आ रही है कि ये लोग चाहते क्या है, और इसमें जो इम्प्लाइड जो यहाँ पर मलाउस हैं, जो भारत की यहाँ पर 80,000 रुपए यहाँ से जो पे लेते हैं, उनको नौकरी से जल्द यहाँ पर निकाला जाए। जिस तरीके से अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी के रिश्तेदारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, इसी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर के अंदर लगा के इन लोगों की एक लिस्ट बनाकर इनको जल्द से जल्द नौकरी से निकाला जाए। मैं फिर भी नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पर यह अपील करता हूँ कि जो माहौल इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, ये भारत सरकार के लिए एक मुंह पर तमाचा है, और इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।